बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने कॉइन्स और एनिमीज किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। मेरा नाम किदर मुस्तफ़ा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ एनिमीज हैं उसकी स्प्राइट्स जो हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कॉपी कर ली हैं, और यहाँ पर कुछ कॉइन्स हैं या जिनको हम फूड आइटम्स कह रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चिकन पीस हैं, कुछ बर्गर्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये इनको मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये मेरे कॉइन्स हैं और ये मेरे एनिमीज हैं जी। तो हमारा सिनेरियो ये है कि प्लेयर जो है ये हमने जनरेट करवाने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि फूड आइटम वन को मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, इसके लेयर नंबर में चेंज करता हूँ और इसका मैं ज़रा साइज़ सेट कर देता हूँ जी। ये देखिए मैंने ये साइज़ मैंने इसका सेट कर दिया है जी। इतना करने के बाद इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, एक रिजिड बॉडी ऐड करता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी आपने मॉडिफिकेशन करनी है रिजिड बॉडी में, वाई इसकी वाई डायरेक्शन फ्रीज कर देनी है और रोटेशन जेड डायरेक्शन में फ्रीज कर देनी है। और यहाँ पर हमने एक कोलाइडर ऐड करना है। अब हम एक नया कोलाइडर देख रहे हैं, पॉलीगॉन कोलाइडर जी। पॉलीगॉन कोलाइडर हमने देख लिया। अब देखिए पॉलीगॉन कैसे है, पूरे के पूरे उसने ना ऑब्जेक्ट को इस तरह से सेलेक्ट किया है। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि इस ट्रिगर के ऊपर चेक कर देना है। बस इतना करने के बाद आपने क्या करना है, हमने कुछ स्क्रिप्ट ऐड किए हुए हैं अभी तक, ये स्क्रिप्ट मैं आपको दे दूँगा। एक हमने जो अभी ऐड किया है वो गेम कॉइन का है, पिकअप एनिमी, पिकअप पॉइंट्स और स्कोर मैनेजर का हमने ये स्क्रिप्ट ऐड किया है जी। इतना करने के बाद फूड आइटम में आना है आपने, रिजिड बॉडी ऐड किया, पॉलीगॉन कोलाइडर ऐड किया, यहाँ पर इस टिकट क्लिक और यहाँ पर वाई डायरेक्शन और इसकी जेड रोटेशन हमने फ्रीज कर दी। यहाँ पर आपने करना है पिकअप पॉइंट, पिकअप पॉइंट्स के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको आपने यहाँ पर दे देना है कि जब वो ये जो हमारा करेक्टर है बर्गर ये खाए तो इसको 10 का इंक्रीमेंट हो जाए और ये जो मूव करेगा, ठीक है, तो ये मूव करेगा -6x की तरफ, ठीक है, कि -6x की तरफ मूव करें। और इसको हम नाम दे देते हैं, ये है एज्यूम कर रहे हैं कि हम मेरे पास है ये कॉइन वन है जी। इसी को आप कंट्रोल डी करें, इसको आप रीनेम कर दें कॉइन टू। और यहाँ पर आपने करना है कोई और हम स्प्राइट ऐड कर देते हैं। मेरे पास यहाँ पर बर्गर पड़ा हुआ है तो यहाँ पर मैंने ये बर्गर रख दिया है। देखिए दोनों चीज़ें मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर इतना करने के बाद आपने क्या करना है कि इस कॉइन वन और कॉइन टू को आपने यहाँ से उठा के एक फ़ोल्डर बनाना है प्रीफैब का, और प्रीफैब के फ़ोल्डर में आपने इनको ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है और यहाँ से आपने इन दोनों को डिलीट कर देना है जी। इतना करने के बाद कंट्रोल एस करें। अब हमने एनिमी जनरेट करना है। एनिमी जनरेट करने के लिए मेरे पास एनिमेशन पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी, तो मैं यहाँ से कोई एक ऑब्जेक्ट उठाता हूँ और उसकी बल्कि रनिंग की एनिमेशन उठाते हैं इसकी। देखिए मैंने इसके रन की 19 एनिमेशन को हमने सेलेक्ट किया और हम यहाँ पर लेके आए हैं और यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाता हूँ और जिसको हम नाम दे देते हैं एनिमी एनिमेशंस, तो इसको हम नाम दे देते हैं एनिमी वन का जी। एनिमी वन हमारे पास आ चुका है। सेम वही काम करना है जो हमने कॉइंस के अंदर किया है कि पहले हमने इसको रिजिड बॉडी बनाना है और यहाँ पर हमने इसकी वाई और जेड डायरेक्शन को फ्रीज कर देना है और हमने इसको ऊपर बॉक्स कोलेटर ऐड कर देना है और बॉक्स कोलेटर में इस ट्रिगर को क्लिक कर देना है जी। इतना करने के बाद यहाँ पर आपने एक स्क्रिप्ट ऐड करना है पिकअप एनिमी, पिकअप एनिमी आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि हमने स्कोर इसको कोई देना नहीं है। और ये किस डायरेक्शन में मूव करें, एक्स डायरेक्शन में मूव करें, कौन सी स्पीड के साथ मूव करें, वो है जी -6। -6 के साथ मूव करें -x की डायरेक्शन में। देखिए ज़ीरो इस तरह होता है ना ग्राफ, ज़ीरो होता है इधर, एक्स होता है इधर, -x होता है एक्स और -x। तो -6 का मतलब, माइनस का मतलब होता है कि -x की तरफ मूव करें, इस साइड पे मूव करें, और प्लस का मतलब होता है कि राइट साइड पे मूव करें।
तो सिक्स का मतलब है कि सिक्स की स्पीड के साथ मूव करिए जी। इतना करने के बाद आपने इसको नाम दे देना है एनिमी वन का, और यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक चीज़ ऐड करनी है, ऐड टैग। ऐड टैग के ऊपर आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिख देना है किल बॉक्स। देखिए किल बॉक्स। इतना करने के बाद इसको आप सेव कर लें जी। तो मैंने ऑलरेडी ये काम किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ एनिमी, जो हमने किल बॉक्स का भी हमने वो बनाया था, टैग बनाया था, हमने इसको यहाँ से चेक कर देना है। इतना करने के बाद कंट्रोल एस कर लें, ये हमारे पास एक एनिमी आ गया। इसी तरह से हम दूसरा एक एनिमी जनरेट करते हैं, तो उसकी रन की एनिमेशन हम उठाते हैं। आप वॉक की भी उठा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करते हैं, आप उसको कौन सी स्पीड के साथ मूव करवा रहे हैं। मैं उसको -1 से मूव करवा रहा हूँ। तो ये एक दूसरी एनिमेशन आ गई हमारे पास। एसेट्स में जाते हैं, एनिमी की एनिमेशन, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, ये है जी हमारा एनिमी 2 जी। इतना करने के बाद वही काम हमने करना है कि इसको पहले हमने रिजिड बॉडी बनाना है, और हमने क्या करना है, वाई और जेड डायरेक्शन प्लेस, और हमने बॉक्स कोलाइडर ऐड करना है, बॉक्स कोलाइडर भी ऐड हो गया। और यहाँ पर हमने क्या करना है, इस ट्रिगर के ऊपर क्लिक कर देना है, कंट्रोल एस कर दें। अब यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड करना है, पिकअप एनिमी, वो भी हमने कर लिया, और इसको हम मूव करवा देते हैं -8 की पोजिशन के साथ, स्पीड के साथ ठीक। इतना करने के बाद आप इसको नाम दे दें एनिमी 2 का जी। अब प्रीफैब वाले फोल्डर में आए और इसको उठा के आपने यहाँ पर ड्रैग कर देना है, और ये जो दूसरा है इसको हमने अभी टैग नहीं दिया, तो इसको मैं टैग भी दे देता हूँ किल बॉक्स का, और ये आपने उठा के यहाँ पर रख दें। तो ये हमारे पास 2 प्रीफैब बन चुके हैं। अच्छा, ये स्क्रिप्ट जो है ये मैं आपको दे दूंगा, इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी जी। इतना करने के बाद आपने क्या करना है कि राइट क्लिक करना है, यूआई में जाना है, और यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है जी। मैंने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है, ये देखिए कहाँ पर बड़ा हुआ है, यहाँ पर है जी। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, हम गेम व्यू के अंदर देखते हैं कैसा लगता है। ये यहाँ पर आ गया है, इसको हम रख देते हैं कहाँ चला गया जी, लगता है बाहर निकल गया है ये, शाबाश जी। यहाँ पर आपने एक टेक्स्ट ऐड कर दिया है जी। इस टेक्स्ट की हम यहाँ से टेक्स्ट रिमूव कर देते हैं, और इसका एक कंट्रोल डी कर देते हैं। ये बेसिकली हमारा करंट स्कोर होगा, और ये होगा हमारा हाईएस्ट स्कोर ठीक है। तो कैनवस के ऊपर आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड करना है स्कोर मैनेजर का, जो कि आपको मिल जाएगा। लेकिन स्कोर मैनेजर का एक स्क्रिप्ट ऐड हो चुका है, तो यहाँ पर टेक्स्ट जो कि करंट स्कोर है, करंट स्कोर है, या जिसे हम स्कोर कहते हैं सिंपल, ये हम यहाँ पर इसको उठा कर ट्रैक कर देना है, ये हाई स्कोर यहाँ पर आ जाएगा, बाकी आपने एज इट इज़ रहना देना है। इसको कंट्रोल एस कर लें जी। अभी तक हमने क्या किया है कि कॉइन्स के प्रीफैब जनरेट किए, उसका सिंपल तरीका है कि इनको रिजिड बॉडी बनाना है, बॉक्स को लेटर ऐड करना है, और एक स्क्रिप्ट है वो ऐड कर देना है। रिजिड बॉडी में ये 2 पॉइंट्स हमने चेक करने हैं, और यहाँ पर बॉक्स को लेटर में इस ट्रिगर आपने चेक करना है जी। अब आपने क्या करना है कि प्लेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड करना है आपने, गेम कॉइन्स का आपने यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड कर लिया जी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि एक राइट क्लिक करना है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लेना है, इसको आपने रीनेम कर देना है पिकअप्स के नाम से जी। प्लेयर के ऊपर क्लिक करें, गेम कॉइन का हमने ये जो स्क्रिप्ट ऐड किया है, यहाँ पर आपने ये पिकअप उठा के यहाँ पर डाल देना है। कॉइन प्रीफेब में आपने ये कॉइन उठा के यहाँ पर डाल देना है। डिस्ट्रॉय टाइम टाइम ये है, और टाइम टू जनरेट कितनी देर बाद ये जनरेट हो जी, 10 सेकंड बाद ये पीस जनरेट हो, और इसकी डायरेक्शन कौन सी हो जी, -20 ठीक है। -20 मतलब क्या है कि
सॉरी जस्ट 20 है, ठीक है। ऑफसेट क्या है कि ये इनके कि ये ज़ीरो है, ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, तो ज़ीरो से 20 पॉइंट्स के फासले के ऊपर ये चीज़ जनरेट हो, और उसके 10 सेकंड जनरेट होने के 10 सेकंड बाद 10 सेकंड बाद ये जनरेट हो, और जनरेट होने के 10 सेकंड बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। इसको हम जरा चेक करके देख लेते हैं। हाँ पता नहीं, जी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने इसको प्ले करके देखा है, तो देखिए हमारे पास ना ये सारी चीज़ें जनरेट हो रही हैं एज वी रिक्वायर, कि ये एक्स से 10 पॉइंट के फासले के ऊपर मेरे पास यहाँ पर ये चीज़ें जनरेट हो रही हैं। अब मज़ीद चीज़ें भी हम जनरेट इसी तरह से करवाना है आपने। इसका तरीकाकार वही है कि गेम कॉइन का आपने स्क्रिप्ट ऐड करना है, और ये पिकअप पॉइंट जो कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट में बनाया था इसको आपने यहाँ पर रख देना है, कॉइन प्रीफैब आपने 2 कर देना है, और टाइम वो 10 सेकंड बाद जनरेट हो रहा था, इसको हम 15 सेकंड बाद जनरेट करवा रहे हैं, वो 20 फासले के ऊपर था एक्स से 20 डायरेक्ट पॉइंट्स के फासले पर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 25 के ऊपर ये जनरेट हो, जी। इसी तरह से एनवी भी हम जनरेट करवा सकते हैं, ये पिकअप पॉइंट्स मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, मैं एनवी 1 जनरेट करवा देता हूँ, और ये क्या है जी ये, अच्छा हाँ ये कितने सेकंड बाद जनरेट हो, मैं ज़ूम कर रहा हूँ ये 30 सेकंड बाद जनरेट हो, और एक्स से 30 पॉइंट्स के फासले पर जनरेट हो। इसी तरह से गेम कॉइन हम यहाँ पर करते हैं, और ये एनिमी 2 आ गया, और ये हम कर देते हैं, अगर ये 30 सेकंड बाद जनरेट हो रहा है तो ये 35 सेकंड बाद जनरेट हो, और ये एक्स से कितने 35 के डिस्टेंस के ऊपर ये जनरेट हो, जी। इतना करने के बाद हम इसको प्ले करके देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये ना कुछ कुछ फासले के ऊपर ना ये सारी चीज़ें जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, दस सेकंड के बाद हमारा पहले पहले पीस जनरेट हो रहा है, ये देखें चिकन पीस आ रहा है, लेग पीस बड़ा खूबसूरत सा, उसके बाद पीछे से ये देखें ये जनरेट हो रहा है, देख रहे हैं आप इसमें, और इसमें हमने डिस्टेंस कुछ रखा था, देखिए यहाँ पर कुछ एनिमी भी आ रहा है हमारा, एक मिनट मुझे देखने दे। अच्छा एनिमी की ओ एनिमी तो पीछे चला गया, एक एनिमी चला गया हमारा पीछा, इसको 7 के ऊपर लेके आते हैं, और इसको भी हम 7 के ऊपर लेके आते हैं, और इनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं, डायरेक्शन भी चेंज नहीं, वो उल्टे भाग रहे हैं जी। दोबारा देखते हैं हम, बल्कि जूम इन करके देखते हैं ताकि अच्छे से नज़र आए, यहाँ पर देखें कुछ स्कोर में भी कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन अभी हमारा ये सही तरह से नहीं लगा हुआ, ये हम आगे देखेंगे कि किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, पर अगर वीजे को क्लिक करने के ऊपर ये आ तो रहा है, लेकिन एनवी भी हमारे जनरेट होना शुरू हो चुके हैं जी। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि हम किस तरह से स्क्रिप्ट के ज़रिए अपने कॉइन्स वगैरह जनरेट करवा सकते हैं, और एनिमी जनरेट करवा सकते हैं विद रैंडम पोजीशन, रैंडम डायरेक्शन। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस गेम प्ले को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।